अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो है हमारा केमिस्ट्री का है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और जो टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो सबसे पहले हम सोडियम ही लेते हैं। हमें पता है सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 11 है और जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 23 है, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन है वो हमारे पास इक्वल है इलेक्ट्रॉन के, और जो हमारा प्रोटॉन है वो इक्वल नहीं है हमारे पास न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमारा न्यूट्रॉन जो होता है वो इक्वल होता है यहाँ पर प्रोटॉन के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो है हमारे पास 8, ठीक है। और जो यहाँ पर एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 16, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा जो न्यूट्रॉन है वो इक्वल है हमारे प्रोटॉन के, ठीक है। अब जैसे बाज़ दफ़ा जैसे ऐसा होता है कि टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है कि आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है और आपको एटॉमिक मास दे दिया जाता है, और आपको ये बोला जाता है कि आप न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें। तो देखें, न्यूट्रॉन फाइंड आउट ऐसे किया जाता है, न्यूट्रॉन नंबर क्या है। तो जैसे आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल है हमारे पास 23 के। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम की ही बात कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल है 23 के। अभी हमें पता नहीं है कि हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रॉन का नंबर जैसे क्या है, ठीक है। तो एन इज़ इक्वल टू 23, हमने प्रोटॉन को जो हमारे पास वैल्यू थी 11, हमने इसको राउंड ऑफ करवाया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको माइनस करा तो हमारे पास वैल्यू आई 12। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास है 12। तो ऐसे फाइंड आउट होता है न्यूट्रॉन, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो वैल्यू है वहाँ पर एटॉमिक मास आएगी, ठीक है। फिर हम इसको जो प्रोटॉन होगा हम उसका साइड चेंज करवा देंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये होती है कि आपका जो ऑर्बिट है या आपके शेल है, ठीक है, उसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अरेंजमेंट, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से शेल है। हमारे पास K है, हमारे पास L है, हमारे पास M है, ठीक है, और N भी है। अब हमारे पास K की हमारे पास कितनी एबिलिटी है, 2 है। L की हमारे पास 8 है, ठीक है, और हमारे पास M की हमारे पास एबिलिटी क्या है, M की हमारे पास जो एबिलिटी है वो है मिनिमम अगर हम बात करें 8, और अगर मैक्सिमम हम बात करें तो 18, ठीक है। अभी देखें, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारे पास आ गए प्रोटीन बोलूँगी, हमारे पास आ गए प्रोटॉन की हमारे पास क्या वैल्यू थी 11, ठीक है। ये जब प्रोटॉन हमारे 11 हैं तो इसका मतलब कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारे पास 11 होंगे, ठीक है, वो भी हमारे पास 11 होंगे। तो ये हमारे पास आ गया के शेल, ये हमारे पास आ गया एल शेल, और ये हमारे पास आ गया एम शेल, ठीक है। अब जब इसके अंदर हमारे पास अरेंजमेंट होगी तो वो अरेंजमेंट कुछ इस टाइप की होगी, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, ये देखें यहाँ पर बना लो। तो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है ना इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, अपने ऑर्बिट पे या अपने शेल के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारा सिंपल बस यही तरीका होता है। अब जैसे ऐसा होता है, जैसे अगर हमने बात करी NaCl की, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास Cl के पास, तो वो एक्स्ट्रा थे, तो सोडियम ने क्या करा था कि अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया था, और फिर इसका अरेंजमेंट होती है ना ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, ये हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आगे इसके आपको इम्पोर्टेंट MCQs बताती हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे टेस्ट के लिए, और उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।